बैक टू माय चैनल पकुलेट गेमिंग में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड को। सो चले गाइस, इधर से हम पहले तो आगे चलते हैं। आज हम एम्प्टी मून का सफर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। और इधर हमें बुलेट सीट मिला है, ठीक है। एक मिनट मुझे देखने दो गाइस, मैं मुझे ना कुछ वो सब चाहिए गाइस, पोशंस और वगैरह वगैरह। सो गाइस मैं जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से आता हूँ गाइस। सो गाइस मैं तो आ चुका हूँ अभी, और अब आगे चलते हैं। पहले तो इधर थोड़ी रिबेल लगा लेते हैं, मैं रिबेल भी बाय कर ली थी। तब इधर देखो, इधर कुछ है, ओके ब्राज़ील है, मुझे पता था। अब हम गाइस इधर से आगे चलेंगे। ओके भाई, इतनी जल्दी एक रिबेल ख़त्म हो गई भाई, क्या मतलब यार। हम इस तरफ, ओके उस तरफ तो कुछ नहीं होगा, देखो इधर एक बैटल होगी जो मुझे नहीं करनी है। फिर इधर देखो, हमें इधर एस्केप रोप मिलते हैं और रेड कैंडी। भाई मुझे एम्प्टी मून के बारे में सब कुछ पता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर कोई बैटल, मतलब इधर इसे बैटल नहीं होगी, इसलिए हम इधर से TM3 ले लेते हैं गाइस। और फिर हम इधर से आगे चलते हैं। इधर हमें मूनस्टोन मिलेगा, इधर ओके डस्क बॉल्स, और इधर एक विशनिंग डेने, देखते हैं गाइस इसमें क्या है। अरे सिली कोबरा, अरे वाह भाई, सिली कोबरा मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है। स्वॉरेंज में हमने इसके साथ खेला था। अरे अचानक से ये बैटल हो गई। अरे भाई लेवल तो देखो भाई, दोनों का सेम है, ठीक है। फेल अटैक करते हैं, अरे यार इसे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ इसके ऊपर। हम पैक करेंगे अभी, अरे पैक बॉल, अरे इससे चेंज हो कर, मतलब वो रोल्स है ना पोकेमॉन चेंज हो जाते हैं। अरे शेट या कंट्री, अरे नहीं पोशन का गया मेरा, अरे इतना ही हुआ। शेट गाइज, ड्रैटिनी अपने ड्रैगन वैसे ऐसे हरा सकती थी। ओ शेट, ओके क्रिटिकल हिट लगा इसलिए अच्छा, लेकिन ये सबको कंफ्यूज क्यों कर रहा है यार। अरे देखो उसने पोकेमॉन ही चेंज कर दिया, अब ये जाएगा काम से भाई, लगा उसे हरा दे। चलो गाइस ये हार गया। अरे देखो तो कितनी मतलब ये से मिली है लाइनून, ओके आई थिंक वो हाँ ये गलारन था, मतलब ये गलारन है, मुझे पता था ये गलारन ही होने वाला है। तो मैं इधर रेजर लीफ करूँगा पहले तो। अरे ये शिट यार, एल्डेगॉस हार गया इधर, ट्रोकैट यार, हाँ भाई उसके पास कोई अच्छा अटैक नहीं है। ये डार्क टाइप है ना भाई, गोस्ट टाइप तो मुँह इफेक्ट नहीं करेंगे, क्विक अटैक हमेशा पहले लगता है, वही करता हूँ मैं। अरे यार फ्रोकैडियो को भी इसने हरा दिया। मैंने एक काम करता हूँ, भले सारे पोकेमॉन फेंटियर हो जाए, आगे चांस ही है जो हमारी मदद कर सकती है। मैं सारे पोकेमॉन से थोड़े थोड़े मतलब ऐसा अटैच कराऊंगा, फिर वो देखो अब हम फ्लिटलिन दर से उसे हरा देंगे भाई। चलो गाइस बहुत भाई, ये सच में थोड़ी मुश्किल बैटल तो थी भाई। उसने मतलब एक टीम रॉक, ये टीम मैग्मा का है ना भाई, ये टीम मैग्मा ग्रंट ने मेरे ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन से हरा दिया। अच्छों की तो चांसेस थी, वरना तो हम गए काम से, बिकॉज हमारे पास रिव्यू भी नहीं था। पोशन दे, लेकिन वो थोड़ी ना फेंटेड पोकेमॉन को जगा सकते थे, इसलिए गाइस। इधर कौन है, लिट्विक और रटाटा ना भाई, ठीक है मैं एक ही पोकेमॉन पर अटैक्स करूंगा भाई। अरे क्रंच, ये क्रंच इतना अच्छा अटैक इसके मतलब इसके पास कैसे है भाई। चलो चलो लिट्विक आ गया, अब बारी है इस रटाटा की। अरे यार वो क्रंच बहुत मार रहा है साला, अब जाएगा ये। चलो गाइज ये चला, मैं तो हीलिंग करके आ जाता हूँ गाइज, तो बस मैंने हीलिंग कर ली है अब। यस और एक रिबल मुझे चाहिए अब इससे बैल, ये तो टीम एक्वा का है ना, ठीक है। अरे हर्डर, ये तो एक ओके टाइपिंग का भाई, मैं भूल चुका हूँ, हाँ ये तो वो है नॉर्मल टाइपिंग का।
अरे वर्कअप बहुत मेरे बच्चा मुंह है यार। चलो हम वैसे वाटरबॉल से, अरे व्हाट भाई सच में इसने मुझे हरा दिया यार। अरे नहीं ऐसा नहीं होना था भाई, हमारा डैनी फेंटेड हो गया। तो पिकाचू को डबल टीम सीख रहे हैं भाई, डबल टीम बहुत अच्छा अटैक है, लेकिन मुझे उसे सिखाना नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहता। रटिनी सारे लेवल अप हो रहे हैं। एल्डोगोज ने लीफ टॉर्नेडो सीखा है, ठीक है रैपिड स्पिन को निकाल देता हूँ मैं। इसका नेक्स्ट राउंड कौन सा है? अरे यार लेवल अप हो रहा है सब राउंड, ठीक है ये तो अच्छा अटैक मिला है, तो मैं स्मोक स्क्रीन को निकाल देता हूँ। इधर वेल मार भाई, सही टाइम पर एल्डोगोज ने लीफ टॉर्नेडो सिखाए। रेजर लीफ और लीफ है तो इतना अच्छा अटैक नहीं है, लेकिन लीफ टॉर्नेडो बहुत अच्छा अटैक है। ओ भाई देखा आपने गाइस इतना अच्छा। अरे यार ये फ्लिंच हो रहा है। ओके चलो अब यह आ गया गाइज इधर, चलो ये अच्छी बात हुई गाइज, मैं जल्दी से पहले हील करके आ जाता हूँ। चलो गाइज अब ये जाएगा लीफ टॉर्नेडो, अरे सुपर फैंग। ओके मैं बच गया, वरना मैं ऐसा मतलब जाता ना। ओके हाँ हमने इसे हरा दिया, लेकिन मैं थोड़ी हीलिंग करके आ जाता हूँ गाइज फिर से। चलो गाइज मैंने हीलिंग कर ली है। अरे यार कितनी बैटल्स, अब तो बस करो थोड़ी, बैटल्स कितनी करोगे तुम लोग? अरे ये तो गोस्ट टाइप का है ना भाई, इसे हरा देंगे हम लोग। जो बर्न से भी थोड़ा इसका डैमेज पड़ रहा है, ये अच्छी बात है, पर इतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ रहा, लेकिन चलो हाल तो गया ना। जूबैट, ओके जूबैट तो एक पॉइजन और फ्लाइंग है ना भाई। भाई पिकाचू संभालेगा अपने इलेक्ट्रो बॉल्स है, ये इलेक्ट्रो बॉल्स को अच्छा अटैक मिल चुका। फिर थंडर बॉल भी 26th लेवल में हमें मिल जाएगा ना, वो तो बहुत अच्छी बात हो गई। चलो हमने इसे हरा दिया, डैनी लेवल 25 में हो चुका है, ठीक है अब हमें इससे भी बैटल करनी पड़ेगी यार, कितनी बैटल्स। ठीक है ये तो, अरे ये तो भाई इधर सारे नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यार? रूस्ट चलता हूँ एक बार। चलो देखो भाई रूस्ट का ये मतलब होता है यार, लेकिन ये तो नहीं यार, पिकाचू हरा पाएगा आई थिंक इसे। पिकाचू का इलेक्ट्रो बॉल सच में तूफानी है भाई। अब मैं चुनता हूँ डैनी को और फिर, अरे यार मुझे चेंज करना था क्यों, मैंने एक्चुअली थोड़ी गलती गलती थी आई थिंक, ठीक है कोई बात नहीं। बोल्ट टॉन्ट, अरे यार वो तो इलेक्ट्रिक टाइप है ना भाई। रटिनी, आई थिंक रटिनी संभाल सकता है बोल्ट। अरे मैं थंडर वेव क्यों किया, शिट ग्राइंड रेट से चलो इफेक्ट। अरे फ्लिंच भी हो गया यार, ये सुपर पोशन है क्या गाइस? अरे सुपर पोशन भी नहीं है हमारे पास, पोशन का एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। चल अब बारी है उनको दिखाने की, चलो ड्रैगन रेज प्लीज। अरे मैं पहले अटैक क्यों नहीं कर रहा हूँ, शिट। अरे फ्लेक्सिंग भी हार जाएगा इसके सामने तो। एल्डेगॉस आई थिंक उम्मीद बन सकता है भाई, प्लीज एल्डेगॉस, बिकॉज ग्रास टाइप मोस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पर वेब
अच्छे से इफेक्ट होता है इसलिए। अरे यार ये प्रेज, मुझे मेरे पास प्रेज ही लाना, लेकिन ये भा अरे शिट मैं पहले, ओ नो यार ये बोल टाउन तो सच में ओपी है यार। अब ये नहीं, मतलब अब ये नहीं रहेगा, जाएगा, मैंने कहा था वैसे। अरे इसके पास और ही क्या है, कौन? अरे बाप रे भाई रेटिकेट, नहीं इसे तो मैं आई थिंक हरा सकता हूँ भाई। इधर मैं कौन सा अटैक करूँगा इसके ऊपर, राउंड। अरे वाह भाई राउंड बहुत अच्छा अटैक है। चलो गाइस ये आ गया, अभी मैं ना फिर से हीलिंग करके आता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस इस बार हम इस फॉसिल को लेंगे, डोम फॉसिल को। और इधर जहाँ तक मुझे पता है इधर ब्रेंडन आएगा, मुझे मतलब मुझे उससे बैटल करनी होगी। सो जहाँ तक मुझे पता है ना, मीन्स मैं पहले इसको रखूँगा और ड्रटीनी को, हाँ ये सही रहेगा भाई। मुझे उनके मतलब मुझे उसके पकवान तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो ब्रेंडन से बैटल ट्रैप भाई, पहले ग्रोवाइल को भेज दिया इसने तो, ठीक है भाई मैं ट्रैप पिंच पर ही करूँगा, बिकॉज पहले मुझे उसे हराना है, फिर मैं ग्रोवाइल को हराऊंगा। अरे यार इसने तो डिक कर दिया, शिट दोनों अटैक्स अवॉइड हो चुके हैं। ड्रैगन एज इसके ऊपर, लीफ टॉर्नेडो अभी इसके ऊपर। अरे टॉन्ट क्यों कर रहा है भाई, वाह चलो भाई ट्रैप इन फेंटेड हो चुका। चलो अब देखते हो नेक्स्ट टर्न। अरे दूधू ग्रो भाई, क्या मजाक है। चलो भाई आई थिंक ये ग्रो वाला, और आई थिंक दूसरा ना 24 लेवल का ग्रो वाला, आई थिंक वो है जोरो का इल्यूजन, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है गाइस, इसलिए रेजर लीफ दोनों पर लगेगा तो मैं उसे ही करता। अरे यार ड्रटीनी फेंट हो चुका, शिट गाइस देखो, हाँ जोरो इल्यूजन था मुझे पता था। फ्लैशरिंदल को मैं वो करूँगा भाई, जाइगेंट डायनामैक्स गाइस, और मैं एम्बल करूँ या फिर पैक, आई थिंक एम्बल सही रहेगा। और हाँ मैं पहले ग्रोवाइल करूँगा, बिकॉज वो ना कुछ भी कर सकता है इसलिए। अरे जोरो को इसने वो किया डायनामैक्स, तो मैं फ्लैचरिंग दो, अरे इसने मैक्स गार्ड किया तो कुछ कोई बात नहीं, मुझे तो पहले ग्रोवाइल कर रहा है। अरे यार थोड़ी एच पी फिर से रह गई, चलो और एक बार हम करेंगे मैक्स, और ये हार जाएगा पक्का, हारेगा ये। चलो गाइस ग्रोवाइल हार गया, उसका मेन पोकेमॉन ग्रोवाइल ही तो है गाइस। फ्लेक्शन को रेजर विन देखना है, ठीक है भाई मैं कौन से अटैक को निकालूँ इधर, तो भाई इधर मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। फ्लेल ये उस अटैक को निकालता हूँ, पर ये मेन ना जोरा है, अगर वो मुझे हरा देगा ना, बिकॉज वो भी थोड़ा ताकतवर है। मैक्स डार्कनेस, चलो एल्डो गॉस पर क्या, फ्लेक्शन पर नहीं, अब मैं डैनी को चूज करूँगा और इसे जल्दी से हराऊंगा। अरे विल्मर ठीक है, मैक्स स्ट्राइक दोनों पर लगेगा, मैक्स फ्लेयर किस पर लगेगा भाई, मैक्स हिस्ट्री में जोरो पर लगता हूँ, और वाटर पल्स भी जोरो पर। चलो आज ओके भाई थोड़ा रह गया, क्रिटिकल ही था इसलिए इतना डैमेज। अरे भाई डैनी को हरा दिया इसने, शिट यार भाई पिकाचू का इलेक्ट्रोबॉल वेलमल को संभालेगा। चलो जोरा भी हो चुका, अब मैं पहले उसे हराऊंगा, इलेक्ट्रोबॉल से वेलमल को भाई छोड़ेंगे नहीं भाई हम वेलमल को, ऐसे थोड़ी ना हम जाने दे। अरे यार ये एक्वायरिंग ना एच पी वो रिकवर करते हैं उनकी, ठीक है और एक बार, अरे थोड़ा रह गया थोड़ा, ओ शिट फ्लेक्शन द फेंटेड, ओके भाई वेलमल भी फेंटेड हो चुका, आई थिंक खेल खत्म। यस गाइस खेल खत्म और हम जीत चुके हैं गाइस, भाई हमने ब्रेंडन को हराया है पोकी एस एम एस, वाह शुक्रिया ब्रेंडन भाई शुक्रिया। फिर मेरे पोकेमॉन्स हील है क्या, नहीं हो गए, दो पोकेमॉन्स अभी जिंदा है भाई, ठीक है जिंदा है वो लोग। और ये क्या है, अरे बैटी, अरे यार शिट वो मुझे हरा ना दे, वैसे हमारे लेवल तो उनसे ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है भाई पता नहीं क्यों।
चलो जो, अब वाह भाई पिकाचू तेरा इलेक्ट्रो बॉल सच में ओपी है। पहले हमें इस यंगूस को हराना होगा, वो बाइट अटैक कर रहा है, अगर उसने लॉन्च कर दिया ना मतलब तो फिर खत्म। ओके भाई इलेक्ट्रो बॉल से वो तो आ गया। ये कौन सा जी क्रिशल है देखते हैं गाइस। ओ भाई ये तो फाइल टाइप मू का जी मू है गाइस। चलो ये बहुत मतलब अच्छी बात हुई, अब आगे चलते हैं। ओके उधर एक विशिंग डेन है, अरे मैं रेबल क्यों अभी इस्तेमाल किया पता नहीं, तो देखते हैं इधर कौन सा है भाई पोकेमोन। अरे ये तो क्यूटी फ्लाई है भाई, मुझे नहीं चाहिए वो। इधर हमें टीएम रोल मिला है, इधर पावर ब्रेस पोकेमोन हेल्थ आइटम दैट प्रमोट्स अटैक गेन। ओके ठीक है भाई, मैं मुझे अभी इधर तो कोई पोकेमोन को पकड़ने नहीं है, डोंट फॉरगेट। ओके हाँ मैं सेव तो नहीं करता, लेकिन इधर कौन सा पोकेमोन है भाई। अरे ये तो यूक्सी है ना, यूक्सी भाई। वुड यू लाइक दिस पोकेमोन टू बी शाइनी, हाँ इस बार हम शाइनी चूज करेंगे। अरे वाह भाई हमें यूक्सी मतलब, ओ ये तो अजब है, यूक्सी नहीं है सॉरी गाइज, पर मतलब इतना अच्छा पोकेमोन हमें मिल चुका गाइज इधर तो। चलो गाइज ये बहुत अच्छी बात हुई, अब हम इधर चलते हैं। ओके इधर है ना, हाँ ये अब इधर है। अरे भाई ये तो ट्रेसी है ना भाई। ओ यार ट्रेसी तो क्या कर रहा है, अरे पहले तो मुझे हील करना पड़ेगा आई थिंक, वो बैटल करने के लिए इधर खड़ा है गाइस। एक मिनट देख आप, हाँ हमारी टीम को देख लीजिए गाइस। और गाइस आज के लिए इतना ही, आप सोचोगे कि हम ट्रेसी से कब मुकाबला करेंगे, मिस्टी के साथ भी इस एपिसोड में मुकाबला कर लो ना। नहीं गाइस हम मिस्टी से तो पता ही कब मुकाबला करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्रेसी से मुकाबला करेंगे, और भी बहुत सब कुछ, दो तीन बैटल्स करेंगे हम, बहुत तगड़े तगड़े बैटल्स। सो गाइस हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।